हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो का माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अपना पैन कार्ड बनाया है, जो पैन कार्ड होता है बेसिकली आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है, लेकिन आपका पैन कार्ड बनाए हुए काफी दिन हो चुका है, अभी तक आपके ईमेल आईडी पर जो पैन कार्ड है वो सेंड नहीं किया गया है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में लैब प्रूफ के साथ में आपको दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं, जो भी पैन कार्ड होता है वो आपके ईमेल आईडी पर कितना दिन के अंदर सेंड किया जाता है वो मैं आपको स्टूडियो में लैब प्रूफ के साथ में आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो मेरा पिन कार्ड NSDL की तरफ से बना है, तो देखिए पहला जो ईमेल आता है जब आपने ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करते हैं, चाहे आपने खुद से किए होंगे या तो फिर किसी भी शॉप पे जाके करवाते होंगे, तो वहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट होता है जो पहला स्टेप होता है, तो उसका ईमेल देखिए यहाँ पर नजर आता होगा। चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला ईमेल पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर नजर आता होगा पेन एप्लीकेशन टोकन नंबर, यहाँ पर टोकन नंबर, यहाँ पर डेट और टाइम यहाँ पर शो हो जाता है, नीचे भी यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन नंबर शो हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला ईमेल कब आया था, देख सकते हैं फरवरी 15 को ईमेल आया था जब मैंने यहाँ पे पेन कार्ड को अप्लाई किया था। ठीक है, देन उसी दिन दूसरा ईमेल आता है जब पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे पेमेंट हो जाता है उसका भी ईमेल सेंड किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ दूसरा ईमेल पे, तो नीचे देखिए सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे शो हो जाता है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद पेमेंट डिटेल, देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे किया जा गया है, तो जब ये पेमेंट करेंगे तो पेमेंट डिटेल का भी ईमेल आ जाता है। दो ईमेल हुआ, उसके बाद वो तीसरा ईमेल आता है जो फाइनल ईमेल होता है, जिसमें आपका जब पैन कार्ड आपका अप्लाई हो जाता है फाइनली, तो वो ईमेल आता है जिसमें आपका पैन कार्ड होता है। ठीक है, ईमेल के जरिए आपका पैन कार्ड भेजा जाता है, उस पैन कार्ड को आप डाउनलोड करके उसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देखिए नजर आता होगा जो पहला ही ईमेल, देखिए यहाँ पर नजर आता है ऊपर में ही जो नजर आ रहा है। ठीक है, ये फाइनल ईमेल है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मैंने पैन कार्ड कब अप्लाई किया था, फरवरी 15 को, और जो फाइनल ईमेल आया है देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता होगा फरवरी 16 को। ठीक है, तो चलिए इसे सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। एक दिन का यहाँ पे गैप था, मतलब एक दिन में ही मेरा पैन कार्ड जनरेट हो चुका है। सबसे पहले ऊपर में पैन अलॉटमेंट लेटर फॉर योर पैन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो पैन नंबर है वो जनरेट हो चुका है, यहाँ पे पैन नंबर मेरा शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर, एक दिन के बाद ही, मतलब दो दिन यहाँ पे समय लिया। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए एक पीडीएफ फाइल होता है, जब पैन कार्ड को आप डाउनलोड कीजिएगा तो एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होगा, उसमें एक पासवर्ड होता है। पासवर्ड यहाँ पे देखिए फॉर्मेट बताया गया है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले डे फिलअप करना होगा, मंथ फिलअप करना होगा, ईयर फिलअप करना होगा। चलिए नीचे आना है आपको, नीचे जब आइएगा तो देखिए यहाँ पे पैन कार्ड का आपका पीडीएफ फाइल होता है, इसे सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा, देन आपको ओपन करना होगा। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे फाइल आपका डाउनलोड हो जाता है। चलिए ओपन करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसलिए मैं कोई भी पीडीएफ व्यूअर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है। सबसे पहले आपको डे फिलअप करना है, उसके बाद आपको मंथ फिलअप करना है, उसके बाद आपको ईयर फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नजर आता है ओपन, तो आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो फाइनली जो भी आपका पैन कार्ड होता है जो आपके ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है वो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद जो भी आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होता है वो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा जो आपका ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है। अब जो भी आपके ईमेल आईडी पर आपका पैन कार्ड सेंड किया गया उसे आप क्रॉप करके पीवीसी कार्ड में बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसे प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके बाद जहां भी आपको यूज करना है ईजीबी में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि जो भी आपका पैन कार्ड होता है वो कितना दिन में आता है। तो चलिए सो मैं फिर से मैं आपको दिखाता हूं, मैं प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूं। मेरे केस में देख सकते हैं मैंने 15 तारीख को अप्लाई किया था और 16 तारीख को आ गया है, तो मेरे केस में जो टाइम लिया वो 24 घंटा का ही टाइम लिया। लेकिन अगर आपका 24 घंटा के अंदर नहीं आ रहा है तो कम से कम आप 2 दिन रुक लीजिए, 2 या 3 दिन के अंदर में जो भी आपका पैन कार्ड होता है वो आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। मेरे केस में एक ही दिन में आया, तो इसका मतलब ये कि नहीं है कि 24 घंटा के अंदर ही आ जाए। तो जनरली ये पे जो टाइम होता है 2 से 3 दिन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगर आपने यूटीआई के वेबसाइट से भी अपना पैन कार्ड बनाया होगा तो सेम टाइम उसका भी है, 24 घंटा या फिर 1 से 2 दिन में ही आपका जो पैन कार्ड होता है आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको विथ प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया हूं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।